हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा बाकी का टॉपिक कंप्लीट करते हैं चैप्टर वन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि जो जो हमारे पेंडल अप्रोप्रिएशन के पॉइंट्स हैं, पेंडल अकाउंट के पॉइंट्स हैं, उनको हमने डील किया। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल स्टेप्स क्या अप्लाई होंगे यहाँ पर? सबसे पहला स्टेप हमारा होगा ड्रॉ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल हमें ड्रॉ करनी है इस तरह से ताकि हम जो हमने पॉइंट्स हमने ट्रीट नहीं किए थे वो हम ट्रीट कर सके दोबारा से। जैसे मान लीजिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अगर हमने सही नहीं किया था, क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है कि अगर हमने ट्रीटमेंट सही नहीं किया था तो हम उनका ट्रीटमेंट दोबारा से सही कर सके। इसमें दो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट। का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डेबिट का मतलब होता है रिसीवेबल। अगर फर्म को किसी से रुपए लेने हैं दैट इंडिकेट्स डेबिट। रिसीवेबल मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर हम क्रेडिट का मतलब समझे, क्रेडिट का मतलब होता है पेबल अमाउंट बाय द फर्म टू पार्टनर। क्या क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिसीवेबल। डेबिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम पार्टनर। और क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पेबल अमाउंट टू पार्टनर। ये दोनों अमाउंट पार्टनर से रिलेटेड होती है। ओके, तो हम पहला स्टेप करेंगे कि एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल को ड्रॉ करेंगे। देखिए, मान लीजिए हम किसका ट्रीटमेंट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें ये सब करना चाहिए था बट हमने गलती से प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 210,000 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट था हमने उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया बल्कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट करेंगे? पहले स्टेप टू, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भूल गए थे उनको हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन पेबल होता है इसलिए क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? डेबिट। ये सब एज्यूम किया हुआ एग्जांपल है। ओके, तो टोटल पेबल कितना होगा? आप क्रेडिट साइड को ऐड कर लो, यहाँ पर क्रेडिट को ऐड कर लो और डेबिट को माइनस कर दो। जितने रुपए पेबल थे या रिसीवेबल थे उसमें से पेबल अमाउंट माइनस कर दो आप, तो आपका नेट क्रेडिट आ जाएगा। आपको 70,000 देने थे, 10,000 लेने हैं, तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा? नेट पेबल अमाउंट आ जाएगा आपके पास 50 में से 10 में 40,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेट पेबल अमाउंट आ गया हमारे पास। टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 210,000 रुपए था, तो 140 तो हमारा एक्सपेंस हो गया, बाकी का 70,000 करेक्ट प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्या है? करेक्ट प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको, 40,000, 20,000, 10,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:1 में। तो ये टोटल पेबल अमाउंट आ जाएगा टू पार्टनर। टोटल पेबल अमाउंट टू पार्टनर। बट हमने मिस्टेक क्या कर दी? प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। जो हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया पार्टनर्स को, वो हम उनसे वापस मंगवा लेंगे, रिसीवेबल। तो हमने 210,000 रुपए को गलती से इक्वली बांट दिया था, वो हम उनसे वापस मंगवा लेंगे, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो नेट आंसर आएगा आपका, जो भी साइड ज्यादा बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 30,000
क्रेडिट बैलेंस, ओके नेट आंसर हम निकालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। फिर इसमें देखिए आप कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, डेबिट साइड 10,000 rupees क्या आ जाएगा, डेबिट में बैलेंस आ जाएगा। एंड इसमें कौन सा 20,000 डेबिट बैलेंस ज्यादा है, ओके तो अब आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे यहाँ पर, जो जो पार्टनर डेबिट है यहाँ पर, जो पार्टनर डेबिट है उसके डेबिट में लिख दोगे आप 10,000 rupees, जो सी यहाँ पर डेबिट है 20,000 से, और ए यहाँ पर क्रेडिट है 30,000 से, ओके यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और ए कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर करंट अकाउंट से एंट्री होगी, ओके। अगर आप इसको स्टेप्स से देखें, स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपको एनालिटिकल या एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड। स्टेप थ्री क्या है, बैलेंस है प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस का, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बैलेंस आप प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर आप बैलेंस डेबिट या क्रेडिट के रूप में फाइंड आउट करोगे, बैलेंस है जो उनका आप डेबिट या क्रेडिट के रूप में फाइंड आउट करोगे, एंड देन आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, देन आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे यहाँ पर, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है रिसीवेबल, डेबिट का मतलब होता है रिसीवेबल, क्रेडिट का मतलब होता है पेबल, ओके। तो इस तरह से आप पास्ट एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट डील करोगे इस स्टेप्स की सहायता से, ओके। अब हम शुरू करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ओके। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर टू इनकमिंग पार्टनर, ओके जो पार्टनर आ रहा है उसको हमने गारंटी दी, आइदर बाय या तो सभी ओल्ड पार्टनर्स देंगे या सम ऑफ पार्टनर्स, जो गारंटी दी जाती है वो या तो सभी पार्टनर्स देंगे या फिर कुछ पार्टनर्स उसे प्रोवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए गारंटी किसने दी है तो सभी के सभी ओल्ड पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। कैलकुलेट टू अमाउंट, सबसे पहले आपको दो अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट कि जो गारंटेड पार्टनर है उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है, और मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, उसका मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना है। हायर गिवन टू इनकमिंग पार्टनर, उन दोनों में जो हायर होगा वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाए, मान लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता था 20,000 और गारंटी कितना था, गारंटी था मान लीजिए, गारंटी था उसका 30,000, गारंटी था उसका 30,000, तो इस केस में सिलेक्ट कौन सा होगा, 30,000 सिलेक्ट होगा, ओके। मान लीजिए उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था 40,000 और गारंटी कितना था 30,000, तो इस केस में कौन सा सिलेक्ट होगा, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो सिलेक्ट होगा यहाँ पर, ओके। तो इन दोनों में जो हायर होगा वो उसको इनकमिंग पार्टनर या गारंटेड पार्टनर को दिया जाएगा। बैलेंस इज शेयर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो प्रॉफिट बाकी का रह जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से हम प्रॉफिट के केस में डील करेंगे गारंटी के केस को। अगर लॉस हो तो, अगर यहाँ तो प्रॉफिट हुआ तो हमने ऐसे डील किया, अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में हम कैसे डील करेंगे, पहले हम स्टेप वन क्या होगा हमारा, लॉस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में, लॉस को नॉर्मली सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट लॉस अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, जो गारंटेड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करना मतलब ऐड करना, देना, कितना हम उसको प्रॉफिट देंगे, एक तो जितना गारंटी है प्रॉफिट का वो, प्लस उसने जो लॉस बियर किया है वो, दोनों को हम ऐड करके उसको क्या देंगे, प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट देंगे। मान लीजिए हमने गारंटी दे रखी है उसको 2,00,000 रुपए प्रॉफिट की, 2,00,000 की गारंटी दे रखी है, लॉस उसने बियर किया मान लीजिए 50,000 रुपए लॉस बियर किया, तो टोटल हम कितना रुपए देंगे इसको, 2,50,000 रुपए हम उसको प्रॉफिट देंगे, और वो जो प्रॉफिट है वो कौन बियर करेगा, दिस अमाउंट डेबिट टू पार्टनर हु गिव गारंटी, जिन्होंने गारंटी दी है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ओके। वो
क्या हो जाएंगे यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। तो इन केसेस में, इन सभी केसेस में एंट्री क्या होगी यहाँ पर, जो इनकमिंग पार्टनर है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, जो इनकमिंग पार्टनर है या गारंटेड पार्टनर है, इनकमिंग या गारंटेड पार्टनर है वो तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, और जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, ओल्ड पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, गारंटी गारंटर यहाँ पे गारंटी जिन्होंने दी है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे उनकी कैपिटल में। डेबिट होना मतलब उनकी कैपिटल में क्या हो जाएंगे, डेबिट मतलब माइनस हो जाएंगे, और इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, इस तरह से हम इस केस को डील करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में हम इस तरह से डील करेंगे, और लॉस के केस में हम इस तरह से डील करेंगे। ओके, तो हमने सभी एस्पेक्ट्स को, चैप्टर वन के सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को। ओके, इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स चाहिए तो। ओके, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आगे